पहले हम लोग संविदा में भर्ती किया जाता था, हमसे सेवा ले लिए हैं, अब आप अचानक पॉलिसी बना के बोलते हैं कि हम अपात्र हैं। ज्ञापन के निकलने से जो है अतिथि व्याख्याता बेरोजगार हो गए हैं, रोड पे आ गए हैं। उग्र आंदोलन करने के लिए हम जो है विवश रहेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश भर में संचालित महाविद्यालयों में सालों से सेवाएं देने वाली अतिथि व्याख्याताओं ने अपने भविष्य के अंधकार को दूर करने के लिए सरकार के सामने अपनी मांगों को अलग अलग तरीकों से कई बार रखा है। अब तक इन अतिथि व्याख्याताओं के सालों की मेहनत और समर्पण का सही मायने में उन्हें कोई भी सुखद परिणाम नहीं मिला है। अब इन अतिथि व्याख्याताओं ने सरकार में मदद की गुहार लगाई है। इनका कहना, प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य संवारने वाले इन अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांग में सरकार से ज्यादा कुछ नहीं मांगा है, बल्कि सामान्य सी मांगे हैं जिसमें वेतन और नौकरी की सुरक्षा प्रमुख रूप से शामिल है। तो निकालने से पहले कोई नोटिफिकेशन मिला था? इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग जो है छत्तीसगढ़ की समस्त जो अतिथि व्याख्याता जो पॉलिसी जब आया था, सरकार ने 19 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत हम छत्तीसगढ़ में जितने भी गेस्ट जो लेक्चरर्स हैं अतिथि व्याख्याता सभी सुरक्षित थे। वहाँ पे एक कंडिका लाया गया था जिसमें 13.2 में साफ साफ लिखा गया था, जिसके पास स्थगन आदेश है वो सेवा में यथावत रहेंगे। ये पूरे कैबिनेट में तो चर्चा हो गया, लेकिन उसका बाहर आने के बाद मामला ये पता चलता है, कैबिनेट में पारित होने के बाद 13.2 को विलुप्त करना, ये जो है हाईकोर्ट के द्वारा एक प्रकार से अवमानना है। जिस प्रकार से हमको पूर्व स्थगन से आदेश से सेवा देते हुए, हम 2018-17 से सेवा देते हुए आ रहे हैं जितने हमारे जो साथी अतिथि व्याख्याता के तौर पर, और ये व्यवस्था बीजेपी के ही शासन में, पहले हम लोग संविदा में भर्ती किया जाता था, 2012 जैसे ही बीजेपी के जब सरकार आया तो संविदा को खत्म करके के अतिथि व्याख्याता लाया। आज फिर वही स्थिति बन रहा है, बीजेपी के शासन आने के बाद हम अतिथि व्याख्याताओं को जो नया पॉलिसी आया है उसको लाभ ना देकर के नए लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर हम वर्तमान आंकड़ा निकालेंगे तो एक प्रकार से एक एक किसी को जॉब से निकालना, मतलब बेरोजगार की स्थिति जो है वर्तमान सरकार कर रहा है। तो हम निवेदन करना चाहते हैं जो वर्तमान में है माननीय विष्णु देसाई जी से, जो आपके जो कैबिनेट में जो चर्चा हुआ था उस बात को आप यथावत रखें। शैक्षणिक सत्र जो 23-24 में जितने भी अतिथि व्याख्याता पढ़ाए, चाहे वो एक दिन पढ़ाए महाविद्यालय में, उनको आप यथावत रखने का आदेश तत्काल जारी करें। ऐसा नहीं है, अभी हम वर्तमान में जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट का ये जजमेंट है कि किसी भी अतिथि व्याख्याता को एक अतिथि व्याख्याता से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ये साफ साफ लिखा है। अगर आपको नियम पढ़ने के लिए समझ में नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ के सभी प्राचार्य महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे वकील से मार्गदर्शन ले लीजिए कि उसमें लिखा क्या है, फिर उसके बाद आप विज्ञापन जारी करेंगे। यदि छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेज में यदि विज्ञापन जारी होता है तो उसके खिलाफ अवमानना का केस लगेगा इसमें, और हम सभी मिलकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विवश हो रहे हैं। लेकिन हम वर्तमान सरकार से यही गुजारिश और यही अपील करना चाहते हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु जितने भी पढ़ाए हैं 27 से जो अतिथि व्याख्याता है, पुनः उसे यथावत रखे। आप नए पॉलिसी में नए भर्ती जहां पद खाली है वहां आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है, लेकिन पुराने जितने भी कार्यरत है अतिथि व्याख्याता उसे पुनः आप पुनर्नियुक्ति जल्द से जल्द उसके लिए। आज वर्तमान सरकार को अगर हम देखें, आज भी एक कैबिनेट का बैठक है और छत्तीसगढ़ के सभी प्राचार्य को मीटिंग लिया जा रहा है, तो मैं इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के सभी प्राचार्य को कि हमारे लिए वहां हमारे बातों को वहां पे पक्ष में रखे, क्योंकि हम जो है बच्चे का भविष्य बनाए हैं। अगर हम देखेंगे तो एक साल दो साल नहीं, हम 20-20 साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो हम कहां जाएंगे? अचानक जॉब से आप बेखदकल कर देंगे, एक एक आप बाहर कर देंगे तो हमारे साथी कहां पे जाएंगे? अंत में हम रोड में आना हो जाएगा। इसी विषय को लेकर के हम आज माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से मुलाकात की है, उन्होंने आश्वासन दिए हैं, तत्काल उन्होंने सेक्रेटरी सर से कॉल के माध्यम से बात रखा है, उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि इनके बातों को जीडी जो नियम रहता है वित्त विभाग से परमिशन जो रहता है वहाँ पे इनका बात रखा जाएगा। हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बातों को वहाँ पे रखे और हमारे लिए तत्काल आदेश जारी किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष चला कुमार वर्मा, अतिथि व्याख्याता संघ से, मैं जो है कवर्धा जिले से आया। सर मेरा नाम अनिता सिंह चौहान है, मैं अतिथि व्याख्याता दंतेवाड़ा से हूँ। सर अभी सचिव महोदय द्वारा ये बोल के निकाला जा रहा है कि आप लोग अपात्र हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी सचिव महोदय से, अगर हम अपात्र होते
तो हम 8 साल 9 साल से कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, तो आप उसी टाइम हमको कहीं क्यों नहीं निकाले? ठीक है, उतने दिनों से आप हमसे सेवा ले लिए हैं, अब आप अचानक पॉलिसी बना के बोलते हैं कि हम आप आते रहे। ठीक है, तो आप मेरे को पहले यही उनसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप बताइए, आपने 8 साल 9 साल से हमसे जॉब या हमसे सेवा क्यों ली है? ठीक है, जैसे कि मैं सुकमा से आई हूँ, कोंटा से आई हूँ, वैसे ही मेरे साथीगण हैं जो अंबिकापुर से आए हैं, बीजापुर से आए हैं, तो ये जो इतने सुदूर क्षेत्र से आए हैं, इन्होंने अपना सेवा दिया है ना, तो हम अब अचानक हमको जॉब से निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। नहीं नहीं नहीं, लिखित में वो कुछ नहीं दे रहे हैं, लिखित में कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मौखित बोला जाए। और हम लोग जो चयन सूची है सर, मेरिट बेस पे ही होती है, हम पात्र हैं तभी हमारा सिलेक्शन हुआ है, मेरिट बेस पे ही हुआ है। हम लोग की संख्या लगभग 2700 है। ये अतिथि व्याख्याताओं के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई है उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं, क्योंकि जिस पॉलिसी को लागू कर दिया गया है उसमें लागू करने के बाद से महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने जो है विज्ञापन को जो है उसमें निकाल दिया गया, और विज्ञापन के निकलने से जो है अतिथि व्याख्याता बेरोजगार हो गए हैं, और बेरोजगार होने से उनके समक्ष जो है मतलब घर को चलाना या जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, ये सब समस्याएं उनके समक्ष आ रही है। एकाएक जो है अतिथि व्याख्याताओं को बेरोजगार करना ये सही नहीं है, और पॉलिसी जो है पॉलिसी को इसीलिए तैयार किया गया था क्योंकि अतिथि व्याख्याताओं की जो है शोषण से इनसे मुक्ति मिले, तो ये तो मतलब शोषण से मुक्ति मिलना तो दूर की बात, बल्कि यहाँ तो जो है शोषण पूर्ण नीति है और यहाँ तो अतिथि व्याख्याताओं को बेरोजगार किया जा रहा है। तो सरकार से हमारा एक ही निवेदन है कि यथावत जो भी अतिथि व्याख्याता है जिन महाविद्यालयों में स्टे जिनको मिला हुआ है उनको यथावत अपनी जगह पर रखा जाए। संदीप बघेल, लोरभी विधानसभा से, आज माननीय डिप्टी सीएम अरुण साहु जी से मिलने के लिए आए हैं। हमारा एक ही मांग है महोदय कि माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट का कि एक अतिथि व्याख्याता को एक अतिथि व्याख्याता रिफ्लेक्स नहीं कर सकता, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा स्टेप को रद्द कर दिया है करके हमारे अगेंस्ट में विज्ञापन निकाला जा रहा है, जिससे हमारा मानसिक शारीरिक और जो पारिवारिक स्थिति है वो क्षीण हो चुका है। इसीलिए हम आपके माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग अभी तक के काम किए हैं उनको यथावत रखा जाए, यही हमारे सरकार और प्रशासन से मांग है। धन्यवाद। हम लोग है अतिथि व्याख्याता, महाविद्यालय ने अतिथि व्याख्याता जो है कि हर बार की तरह है कि भाई इस बार भी है हमारे लिए है कि प्राचार्यों के द्वारा वैकेंसी का है कि भाई निकाला जा रहा है जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें, जबकि है कि भाई हम लोग है यूजीसी के मापदंड पे है कि एक क्राइटेरिया लेकर के आए थे और है उसमें चयन सूची जो बनी थी उसमें है सब सेलेक्ट होकर के आए हैं, लेकिन अभी की स्थिति ऐसे हो गया है शासन के द्वारा जो हमारे लिए है पॉलिसी तो बनाया गया है लेकिन पॉलिसी का लाभ नहीं मिल रहा है हमें से किसी भी साथी को, और जो यहाँ पर है कि 1800 से 1900 जो हमारे अतिथि व्याख्याता है अभी पॉलिसी का लाभ ना मिलने के लिए और वैकेंसी निकाला जा रहा है, इसके वजह से है सब रोड पे आ गए हैं। तो हमारा यही कहना है कि जितने भी है हमारे पास में साथी लोग हैं उन सबको है कि भाई निकाला ना जाए, वैकेंसी भी है कि ना निकाला जाए और हमारे लिए है एक व्यवस्था रखा जाए जो यूजीसी के मापदंड पे है कि हमारे लिए है आने की है कि भाई समय सीमा है, इसी मांग को लेकर के है हम आए हुए हैं जितने भी समस्त अतिथि व्याख्याता, और सरकार से है यही अनुरोध है कि भाई जो पॉलिसी बनाया है उसमें है हम लोगों को है कि रखने की बात को है रखा जाए, और कहीं भी महाविद्यालय से जितने भी हैं उसमें से है कि कोई भी चीज के लिए वैकेंसी ना निकले, इस चीज के लिए आए हुए हैं। मैं रवि कुमार सूर्यवंशी, अतिथि व्याख्याता, कोंडागांव। आज हमारे अतिथि व्याख्याता समूह छत्तीसगढ़ से माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू के पास हम लोग आए थे, और हमारी यही समस्या है कि जो जो प्लेन पीजी मात्र एमएससी जो किए हैं, जो पहले हम लोग अतिथि व्याख्याता के तौर पर हमें उस मेरिट सूची में हमको नेट सेट पीएचडी हो चाहे प्लेन पीजी हो सबको शामिल किया जाता था, लेकिन अभी बोल रहे हैं माननीय सचिव महोदय कि प्लेन पीजी के जगह जो है वैकेंसी या विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो हम जो प्लेन पीजी जो इतने 5-10 सालों से पढ़ा रहे हैं और हमारी जो चयन जो है मेरिट सूची से हुआ था और हमें पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त था, लेकिन अभी कह रहे हैं कि आपका स्थगन जो है रद्द हो चुका है और आपके जगह विज्ञापन निकाला जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो 1500 से 1800 जो अतिथि व्याख्याता है जो मात्र प्लेन पीजी है और इनके परिवार जो है इसी व्यवस्था के तहत चल रही है, तो इतने जो साथी जो है अतिथि व्याख्याता जो है उनके परिवार का भरण पोषण की समस्या आ जाएगी और एक प्रकार से वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं आपके मीडिया से यही माध्यम से यही कहना चाहूँगा माननीय सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके कि जितने भी प्लेन पीजी हैं जिनके जगह विज्ञापन की बात हो रही है, तो समस्त जो स्टे हैं और 23-24 से जो भी साथी पढ़ाए हैं सबको जो है सेवा में वापस लिया जाए, नहीं तो हम विवश हो जाएंगे कि उग्र आंदोलन के लिए हम जो है सारे 18
1800 जितने परिवार हैं सारे हम जो है धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोलने तैयार हो जाएंगे। जी 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 और किए थे हम लोग, लेकिन अभी जो है पॉलिसी आई है उसमें जो है प्लेन पीजी के लिए पूरी कोई भी व्यवस्था की बात नहीं है और एक प्रकार से स्टे को खारिज करने की बात कही जा रही है जो कि एक प्रकार से गलत है। मैं आपके मीडिया से एक बात और कहना चाहूँगा, व्यास साहब ने जो है उच्च गुणवत्ता वाली बात कही है हाई कोर्ट के संदर्भ में, लेकिन आप प्लेन पीजी जो अनुभवी जो पढ़ा रहे हैं उनको आप बाहर कर जो घर में बैठ के कोरोना वाले जो पढ़ा रहे हैं बैठ के पास हुए हैं वो अगर मेरिट में आ जाएंगे और हमें अनुभव और पीजी के परसेंट से अगर हम चयन नहीं होते हैं तो ये गुणवत्ता कैसी वाली बात है, तो ये कहीं भी जो है मैच नहीं कर रही है हाई कोर्ट का जो आदेश आया उससे भी। तो हम कहना चाहेंगे जो अनुभवी साथी हैं जो 5-10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं उनको वापस सेवा में लिया जाए, नहीं तो हम जो है उग्र आंदोलन करने के लिए हम जो है विवश रहेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार और मंत्रालय की होगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस